हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 14 जून, उत्तराखंड की न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई भी न्यूज से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, उत्तराखंड की हर एक न्यूज की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। और सुबह हम मॉर्निंग सीरीज लेकर आते हैं जिसमें डिस्कस करते हैं पूरे दिन की सारी खबरें एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। सुपर आइडियाज फैमिली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उत्तराखंड कांग्रेस नेता इंदिरा हरदेश का निधन हो गया है, जो नैनीताल जिले के हल्द्वानी से विधायक थे। कुमायूं क्षेत्र में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा और राज्य में पार्टी के सीएम के दावेदार। उत्तराखंड में कोरोना में की बात करें तो 24 घंटे में 263 नए संक्रमित मिले हैं, 7 की मौत हुई, 629 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में अब कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 4000 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रमित मरीज और मौत के मामले भी कम होने लगे हैं। बीजेपी की महिला नेता पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप है, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सत्ता की दबंगई क्या होती है, इसका जीता जागता उदाहरण है देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री रेणु गोयल ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा है। 8000 किलो चरस के साथ उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि प्रभात समय से चरस तस्करी का गिरोह चल रहा था। वर्दी की आड़ में वह चंपावत से सस्ते दामों में चरस खरीदकर उधम सिंह नगर समेत अन्य इलाकों में तस्करी करता था। उत्तराखंड में कोवैक्सीन का पहला शॉट रुका। पता चला है कि राज्य को विनिर्माताओं से पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिली है, जिसके चलते कोवैक्सीन के पहले शॉट को रोक दिया गया है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए विरोध में धरना जारी किए हुए हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कुंभ मेले के दौरान किए गए फर्जी कोविड परीक्षण किया। कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमत 22 निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए 4 लाख से अधिक कोरोना परीक्षण। बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर और निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए आज दिनांक 13 जून यानी कि कल को प्रातः 11 बजे गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में न्यूमोकोकल टीकाकरण का शुभारंभ करूंगा। ये कहना था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह का, उन्होंने ये शुभारंभ किया है। तो न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाने वाला टीका है, अब नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में निःशुल्क उपलब्ध होगा। अपने बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण अवश्य करवाएं। डेढ़ माह बाद पहाड़ों के रूट पर 14 जून से चलेंगी बसें। तो रूट क्या होगा, क्या किराया होगा, इसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा मैं बस के रिलेटेड अपडेटेड वीडियो हर रोज आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। जैसे कोई अपडेट होती है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। व्यापारियों की मांग जारी है कि सप्ताह में 5 दिन खोले जाए दुकानें। हालांकि अभी तक उत्तराखंड की गाइडलाइंस पे कोई भी फैसला नहीं आया है। कल शाम को आने वाला था, लेकिन तीरथ सिंह दिल्ली के लिए फिर से रवाना हुए हैं और जो फैसला है वो आज उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसे ही फैसला आएगा कि क्या गाइडलाइंस है, अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। केदारनाथ मंदिर में लगेगी आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा। इस साल जनवरी में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केदारनाथ मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की समाधि का जीर्णोद्धार 1 साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। जून 2013 में केदारनाथ राजसी में समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसके बाद ये प्रतिमा लगाई जाएगी। 72 घंटे में उत्तराखंड पहुंच सकता है मानसून। बारिश और अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से। देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 10 नए मरीज मिले हैं और 6 संक्रमितों की मौत हुई है। हरिद्वार में की गई सबसे ज्यादा सैंपल जांच, लेकिन संक्रमण दर सबसे कम। तो हरिद्वार में कुंभ के दौरान एक कंपनी की ओर से सैंपल जांच में फर्जीवाड़ा आने पर संक्रमण दर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में स्टाफ नर्स परीक्षा स्थगित, 2621 पदों पर होनी थी भर्ती। हल्द्वानी में कैटरिंग कारोबारी की हत्या से सनसनी, बगीचे में मिला शव और गले पर रस्सी के भी निशान।
सीएम यूपी सीएम के बाद यानी योगी आदित्यनाथ के बाद अब तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा होगा। कई केंद्रीय मंत्रियों संग करेंगे अहम बैठक। अभी थोड़े दिन पहले भी इनका दौरा हुआ था और काफी सारे अहम फैसले लिए गए थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज शाम राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपने दो दिवसीय दौरे में उत्तराखंड के सीएम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रीय मंत्रियों से आज फिर चर्चा करेंगे, जिसमें चार धाम यात्रा भी शामिल हो सकती है और काफी सारे और फैसले भी। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के कुछ अपडेट्स। इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स में इंडिविजुअल स्टेटस पे किसी भी तरीके से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।